हीमोफीलिया में क्या अपडेट आए हैं उसके बारे में हम ऑलरेडी जान चुके हैं। अगर आपने वो वीडियो नहीं देखा है तो आप इस आई बटन को क्लिक करके वो वीडियो देख सकते हैं कि क्या ऐसी नई तकनीक आई है हीमोफीलिया में जिसके द्वारा इस बीमारी को ख़त्म किया जा सकता है। अगर हमारे घर में एक हीमोफीलिक पेशेंट है और उसका ट्रीटमेंट हम किसी भी प्राइवेट सेक्टर से ले रहे हैं जहाँ पर फैक्टर्स लेने के लिए हमें बहुत सारा पैसा खर्च करना पड़ रहा है, तो अब एक ऐसी जगह है जहाँ से आप जाकर इन फैक्टर्स का ट्रीटमेंट फ्री ऑफ कॉस्ट ले सकते हैं। फैक्टर्स को लगाने के लिए आपको करना ये है कि आपको अपने नज़दीक के डिविजनल डिस्ट्रिक्ट हॉस्पिटल में कॉन्टैक्ट करना है, यानी ऐसे सरकारी अस्पताल जो कि मंडल स्तर पर होते हैं, यानी मंडल स्तर के अस्पताल जो कि सरकारी होते हैं, या फिर आपको अपने गवर्नमेंट मेडिकल कॉलेजेस में पता करना है जो भी आपके नज़दीक में गवर्नमेंट मेडिकल कॉलेजेस हो। तो सबसे पहले तो आप ये कोशिश करिए कि आपके नज़दीक में जो भी मंडल का अस्पताल है आप वहाँ पर जाएं और वहाँ पता करें कि क्या ये फैसिलिटी वहाँ पर उपलब्ध है। ये इसलिए मैं आपको बता रहा हूँ क्योंकि कुछ मंडलों में ये फैसिलिटी उपलब्ध नहीं भी है, तो इसलिए ये नहीं है कहने का मतलब यहाँ पर कि हर मंडल के अस्पताल में ये फैसिलिटी उपलब्ध है। तो जो भी फैक्टर आपको लगवा रहे हैं उसके लिए आप मंडल के स्तर में कॉन्टैक्ट कर सकते हैं और वहाँ पर जाकर आपको वहाँ अस्पताल का सबसे पहले पर्चा बनवाना है और बनवाने के बाद कंसर्निंग जो भी फिजिशियन जो बैठते हैं वहाँ पर उनको दिखाना है। लेकिन याद रखिए कि हॉस्पिटल में जाने से पहले आप सारी तैयारी कर लेंगे कि आपके पास सारे डॉक्यूमेंट, सारा रिकॉर्ड जो भी पेशेंट्स का है वो आपके पास होना चाहिए, कहाँ कहाँ उसने ट्रीटमेंट लिया है, कैसे किस जगह पर फैक्टर्स लगवाए हैं, वो सारी डिटेल आपके पास पहले से होनी चाहिए जिसको लेकर आप डिस्ट्रिक्ट हॉस्पिटल में जाएंगे। याद रखिए कि डिस्ट्रिक्ट हॉस्पिटल में आपको मंडल स्तर के डिस्ट्रिक्ट हॉस्पिटल में कॉन्टैक्ट करना है। ये हो सकता है कि जो आपके नज़दीक में मंडल स्तर का अस्पताल है वहाँ ये फैक्टर्स फ्री ऑफ कॉस्ट में हों, और ये श्योर है कि बहुत से ऐसे मंडल हैं हमारे देश में जहाँ पर ये फैसिलिटी फ्री ऑफ कॉस्ट है। साथ ही साथ जो मैंने दूसरा आपको बताया मेडिकल कॉलेजेस, हर मेडिकल कॉलेजेस में ये फैसिलिटी नहीं है क्योंकि जो नए सेटअप हैं उनमें ये फैसिलिटी नहीं है, बट कुछ मेडिकल कॉलेजेस ऐसे हैं जहाँ पर ये फैसिलिटी उपलब्ध है। लेकिन उनमें भी ये याद रखना है कि ये मेडिकल कॉलेज वो मेडिकल कॉलेज होंगे जो गवर्नमेंट के हैं, प्राइवेट मेडिकल कॉलेज में आपको नहीं जाना है क्योंकि वहाँ पर आपको फिर पैसा पे करना होगा। तो इसलिए जिस भी मेडिकल कॉलेज में जाते हैं जो गवर्नमेंट का मेडिकल कॉलेज है तो पहले आपको वहाँ जाकर पता करना है कि क्या ये फैसिलिटी वहाँ पर उपलब्ध है। तो अगर है वहाँ पर तो आप जाकर वहाँ से ये ट्रीटमेंट, यानी जो फैक्टर्स आप ले रहे हैं जो पेशेंट फैक्टर्स पर है वो आप वहाँ पर लगवा सकते हैं और उसका आपको कोई भी पैसा वहाँ पर पे नहीं करना है। तो यही मुझे बात इस वीडियो में बतानी थी कि जिससे कि आप अपना जो कीमती पैसा है उसे बचा सकें। तो आज के लिए बस इतना ही, नए वीडियो में आपसे फिर मिलेंगे। थैंक्स फॉर वॉचिंग, सी यू इन नेक्स्ट वीडियो।